हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज इस वीडियो में आपके साथ बात करने वाले हुए डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों डिप्लोमा कोर्स होते हैं वो बहुत सारे ऐसे कोर्स होते हैं जो बहुत ऐसे बच्चे करने जाते हैं, वो दसवीं के बाद करने जाते हैं, और बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो डिप्लोमा कोर्स बारहवीं के बाद करने जाते हैं। तो दोस्तों बारहवीं के बाद जो बच्चे करने जाते हैं डिप्लोमा कोर्स, वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हैं। वो इसलिए कन्फ्यूजन में रहते हैं कि कहीं कई सारी वैकेंसियाँ निकलती हैं, सरकारी वैकेंसियाँ हो या फिर प्राइवेट वैकेंसियाँ हो, उनमें लिखा रहता है कि 3 साल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। तो जो बच्चे बारहवीं करके डिप्लोमा करने जाते हैं उनको तो 2 साल का ही डिप्लोमा करना होता है, क्योंकि उनकी ड्यूरेशन होती है डिप्लोमा की वो 2 साल की होती है। तो उनमें बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो इन्हीं कन्फ्यूजन को मैं सोचा कि आपके साथ एक वीडियो बना दिया जाए, आपके साथ वीडियो शेयर किया जाए, ताकि जो आपका जो डाउट है, आपके अंदर जो कन्फ्यूजन चल रही है वो दूर हो जाए, और साथ साथ आप अच्छे से आप रिलैक्स से पढ़ाई करें या डिप्लोमा तैयारी कर रहे हैं या फिर डिप्लोमा पास कर चुके हैं तो उन चीज़ों को समझ सके। तो दोस्तों जो बारहवीं के बाद डिप्लोमा करने जाते हैं, दसवीं के बाद डिप्लोमा करने जाते हैं, उनके बारे में पहले आपको बता देने वाला हूँ। दोस्तों जब आप दसवीं के बाद डिप्लोमा कर लेते हैं तो दसवीं के बाद डिप्लोमा करने जाते हैं तो आपको 3 सालों का समय लगता है। जैसे कि आप कोई भी कॉलेज में एडमिशन लिए होंगे तो आपको पता होगा कि 3 सालों का डिप्लोमा कोर्स दिखाया होगा, या फिर आप कर लिए होंगे तो आपको पता होगा कि 3 साल लगा है दसवीं के बाद। जब जैसे आप फिर बारहवीं के बाद एडमिशन लेते हैं, दोस्तों जो कॉलेज में दाखिल होती है वो दसवीं के बाद भी होती है और बारहवीं के बाद भी होती है। डिप्लोमा कोर्सेज में दसवीं के बाद भी एडमिशन होती है और बारहवीं के बाद भी होती है। अगर आप बारहवीं के बाद एडमिशन लेते हैं दोस्तों क्या होता है कि जो आपका ड्यूरेशन वो 1 साल कम हो जाता, मतलब क्या आपका 3 साल की जगह 2 सालों का हो जाता। तो यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाते हैं, क्या मैं डिप्लोमा 2 साल का हो रहा है मेरा? तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें किस प्रकार से आपका डिप्लोमा 2 सालों का होता है। दोस्तों जो दसवीं के बाद आप डिप्लोमा करने जाते हैं तो वहाँ पर जो 1 सालों का आपका पढ़ाई होता है वो +2 का होता है, बट वहाँ पर डिप्लोमा में 3 साल ऐड कर जाता है, मतलब 1 साल ऐड कर दिया जाता है। जो आपका टेक्निकल पढ़ाई होता है वो सेकेंड ईयर मतलब 2 साल ही होता है, 1 साल आपको मतलब नॉन टेक्निकल का सिलेबस पढ़ाया जाता है जो बारहवीं में होती है। 11th और 12th के अंदर जो सिलेबस होती है वो आपको 1 सेमेस्टर मान लीजिए 1 साल मतलब 2 सेमेस्टर आपको पढ़ाया जाता है, और जो 2 साल होता है वो आपका ब्रांच से रिलेटेड होता है पढ़ाई, जैसे आपका CSE हो या फिर मैकेनिकल हो या सिविल हो, जो भी ब्रांच हो उससे रिलेटेड पढ़ाई होता है। तो जो बच्चे बारहवीं करके जाते हैं वो तो ऑलरेडी 11th और 12th पढ़ के आते हैं, तो इसीलिए उनको वो चीज नहीं पढ़ाया जाता, उनको सीधे वहां पर ब्रांच जो उनकी ट्रेड है, उनकी जो ब्रांच है उनसे उनकी सिलेबस पढ़ाई जाती है बस। और जो बच्चे दसवीं करके जाते हैं उनको +2 लेवल का भी नॉलेज दिया जाता है 1 साल के अंदर। जो 1 साल में सिलेबस होते हैं वो मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश, केमिस्ट्री, यही सब सिलेबस होते हैं जो हम +1 और +2 में स्टडी करते हैं। तो यहाँ बच्चे को बहुत ज्यादा डाउट है, वो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि जो +1 साल की जो पढ़ाई होती है वो 11th और 12th की पढ़ाई होती है। तो यहाँ तक तो आपको दिक्कत जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा कि 2 सालों का क्यों होता। फिर हम बात करते हैं यहाँ के जो भी वैकेंसी आती है उनमें क्या होता है कि 3 सालों का मेंशन होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो 95% ऐसी वैकेंसी निकलती है उसमें क्या होता है 3 ईयर लिखा रहता, बट वहाँ पर आप लेटरल एंट्री वाले भी जाते हैं तो वहाँ पर 3 ईयर आपको डिप्लोमा वैलिड होगा, क्योंकि जब आपको डिप्लोमा की सर्टिफिकेट मिलती है 3 साल के बाद तो आपको 3 ईयर डिप्लोमा लिखा हुआ मिलता है, ना कि 2 ईयर लिखा मिलता है। आप बारहवीं के बाद भी डिप्लोमा करते हैं तो आपको 3 ईयर का डिप्लोमा मिलेगा, 3 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपको 2 ईयर का डिप्लोमा दे जाएगा, बस वहाँ पर डिफरेंस ये चीज़ रहेगा कि आपकी जो ओवरऑल मार्क्स सर्टिफिकेट आती है जो कि 6 या 6 सेमेस्टर होती है टोटल, तो उसमें आपको 4 सेमेस्टर का मार्क्स दिया रहेगा और 2 सेमेस्टर में आपको स्किप दिखाया रहेगा, मतलब आपने छोड़ दिया, मतलब आपने +2 के बाद एडमिशन लिया, ये चीज़ का डिफरेंस होता। और दसवीं के बाद जो बच्चे करते हैं उनमें क्या होता है, उनके 6 सेमेस्टर के मार्क्स उसमें अरेंजमेंट होते हैं, बट आप बारहवीं की बात करते हैं तो जो हॉल मार्कशीट होता है उसमें सिर्फ आपको 4 सेमेस्टर का मार्कशीट ऐड होता है, और आपको जो मार्कशीट मिलता है मतलब जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है वो 4 सेमेस्टर का मिलता है। लेकिन जो जॉब की वैकेंसी आती है उसमें जो 3 साल लिखा रहता वो 3 साल आपके सर्टिफिकेट पर भी लिखा रहेगा और वो वैलिड होती है। इंडिया के अंदर 95% ऐसी वैकेंसी आती है जिसमें +2 जो करके डिप्लोमा किए हैं वो भी वैलिड होते हैं और 10th के बाद भी किए हैं, दोनों बराबर होते हैं। हाँ दोस्तों कई जगह ऐसा होता है वो मेनली डिफेंस के अंदर होता है, डिफेंस की मैंने 1-2 वैकेंसी देखी है उनमें साफ लिखा रहता है कि दसवीं के बाद 3 साल का डिप्लोमा हो, ये नहीं मेंशन होता है कि 3 ईयर का डिप्लोमा हो, दसवीं के बाद लिखा तो वहाँ पर आप वैलिड नहीं होगा, जैसे बारहवीं वाला वहाँ पर नहीं हो सकता। बट 95% से ज़्यादा ऐसी वैकेंसियाँ निकलती हैं जिसमें क्या होता है कि दसवीं के बाद डिप्लोमा की हो या फिर बारहवीं के बाद डिप्लोमा की हो, जहाँ पर भी 3 ईयर का लिखा हो वहाँ पर आप वैलिड हो सकता है। दोस्तों कोई भी ऐसी वैकेंसी सेपरेट नहीं निकलती है जिसमें लिखा रहता है कि बारहवीं के बाद 2 ईयर का या फिर दसवीं के बाद 3 ईयर का, कोई कोई ऐसी
वैकेंसी होती है जिसमें लिखा रहता है, बट सब वैकेंसी में नहीं लिखा रहता है ऐसे कि दसवीं के बाद 3 साल का, फिर बारहवीं के बाद 2 साल का। दोस्तों आप टेंशन न ले, जितनी भी वैकेंसी निकलती है आप बारहवीं के बाद डिप्लोमा की है वो भी उसमें एलिजिबल होते हैं, और दसवीं के बाद की है वो तो है ही। बस कोई कोई ऐसी वैकेंसी होती है बट वो भी रेयर मामला में होता है, डिफेंस के अंदर भी निकलती है, बस कोई कोई वैकेंसी होती है जिसमें दसवीं के बाद मांगा जाता है, जिसमें एज कम होता है उसमें दसवीं के बाद मांगा जाता है। बट यहाँ पर बहुत ज्यादा जितने भी वैकेंसी निकलती है उसमें बारहवीं के बाद भी आप डिप्लोमा किए हैं वो भी उसमें एलिजिबल होते हैं, और जो आप दसवीं के बाद किए हैं वो तो हैं। तो दोस्तों आपको पैनिक होने की बात नहीं है कि हम अगर बारहवीं के बाद डिप्लोमा कर रहे हैं तो ये सारे जगह वैलिड नहीं होंगे, सारे जगह हम एलिजिबल नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनको तो अभी कन्फ्यूजन ही रहता है, तो आपके कोई बच्चे आपको बता दे कि आप बारहवीं के बाद करें आपका वैलिड एलिजिबल सब जगह नहीं होगा, आप सारे जगह आपका सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा, ऐसा दोस्तों कुछ नहीं। अगर आप डिप्लोमा पास कर देते उसके बाद आपको सारा चीज़ पता लग जाएगा। जब आपका सर्टिफिकेट मिलता उसमें 3 सालों का डिप्लोमा मेंशन किया रहता, न कि आपको 2 सालों का मेंशन किया रहता। बस मैंने आपको एक डिफरेंस बताया, बस वहाँ पर जब आपका ओवरऑल मार्कशीट मिलता उसमें क्या होता है कि आपको दो सेमेस्टर मतलब 1 साल आपका स्किप रहता है, और आपको जो मार्कशीट मिलता वो फिर 4 सेमेस्टर का मिलता, बट वहाँ पर 3 ईयर का डिप्लोमा आपके सर्टिफिकेट पर लिखा रहेगा फुल टाइम। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, आपको घबराने की नहीं है कि हम प्लस टू के बाद अगर डिप्लोमा कर रहे हैं तो हमारी वैलिड नहीं होगी, हम सारे जगह एलिजिबल नहीं होंगे, ऐसा कुछ घबराना नहीं है आपको। मेरे साथ बने रहिए, मैं सारा इन्फॉर्मेशन देते रहता हूँ, जो भी आपको करियर से रिलेटेड डाउट होती है मेरे कमेंट बॉक्स में भी बताया करें आप, मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मैं वीडियो भी बना देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों आप घबराया नहीं, चाहे आपका 3 साल का डिप्लोमा चाहे 2 साल का डिप्लोमा हो, आप सारे एलिजिबल होते हैं दोनों जगह। सो आई होप दोस्तों आपको सारी चीज़ समझ में आ रही होगी। फिर भी आपको कोई ऐसी क्वेरी होती है करियर से रिलेटेड या फिर जॉब खोजने से रिलेटेड, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उसका रिप्लाई भी करता हूँ, साथ साथ वीडियो बनाता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।